विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। तो वृंदावन की नगरी भी भाग गई है मीरा को। लेने ना सही, किंतु मिलने तो आ ही सकते हैं। यदि कोई और परीक्षा देनी बाकी है तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ रानी सा, अब अचानक जाग क्यों गई? कुछ चाहिए आपको तो मुझे बताए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए और कुछ नहीं। बोलो चंपा, क्या तुम इन्हें ला सकती हो? जहां देखूं तो इन्हीं की छवि नजर आती है। ये तो सब जगह है, फिर भी अपनी मीरा के सामने उससे मिलने नहीं आते। आप अपनी मीरा के प्रति इतने कठोर कैसे हो सकते हैं प्रभु? ये जानते हुए भी कि पल पल मीरा बस आप ही की राह तकती है, आप ही को पुकारती है, फिर भी आप नहीं सुनते तो जाइए। अब मीरा आपको अपना मुख नहीं दिखाएगी और ना ही आपकी ओर देखेगी। आप तो जानते हैं ना कि आपके दर्शन के बिना मीरा का जीवन पल पल सैकड़ों कांटों से बिंध कर जीने जैसा है। ये सुनकर तो आ जाइए अपनी मीरा का कष्ट दूर करने। मीराबाई रानी साहब, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? लगता है मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली। वो अपनी मीरा को कष्ट में नहीं देख सकते। मुझे लगा मेरे गिरधर गोपाल बुला रहे थे मुझे। आपने सही कहा, महान भक्त मीराबाई, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने बुलाया है आपको। चंपा, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो एक गोपी हूँ, गिरधर गोपाल की सेविका। क्या आप मुझे भूल गई माधवी? माधवी, पिछले जन्म का नाता है आपका अपने प्रभु गिरधर गोपाल से, मैं भी तो इसीलिए आपके साथ हूँ। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। तुम ही आई थी ना विवाह का जोड़ा लेकर? मैं तो चित्तौड़ में ही तुम्हें देखकर समझ गई थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मेरे प्रभु ने ही तुम्हें भेजा है। इस बात का आभास हुआ था मुझे। पिछली बार
प्रभु के कहने पर मैं आपके लिए विवाह का जोड़ा लेकर आई थी और आज फिर आई हूँ। इस बार आपको आपके प्रभु से मिलवाने। तो फिर विलंब कैसा? मुझे मेरे गिरधर गोपाल के पास लेकर चलो। आइए। कहाँ चली गई मीराबाई साहब? मुझे मेरे किरधर गोपाल के दर्शन कहाँ मिल पाए थे? पर आज तो स्वयं प्रभु ने आपको बुलाया है, वो आज आपसे अवश्य मिलेंगे। भीतर नहीं चलेंगी? आज मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई, प्रभु ने मुझे अपने पास बुला ही लिया। देखिए मीराबाई, स्वयं राधा जी और ललिता सखी आए आपका स्वागत करने के लिए। आओ मेरा भाई। मीरा, देखो
जिनके लिए तुम इतनी व्याकुल थी वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारे गिरधर गोपाल। चुप क्यों हो? जो भी मन में है बस कह दो। ये सच है कि कोई सपना? हाँ मीरा, ये सच है। यही तुम्हारे गिरधर है तुम्हारे सामने। प्रणाम प्रभु। किंतु आप तो वृंदावन छोड़कर चले गए थे ना? जो यहां से गया था, वो भी मैं ही हूं। और राधा के कृष्ण जो यहीं रह गए थे, वो भी मैं ही हूं। दोनों रूप मेरे ही हैं। जो पूरे संसार को अपनी एक दृष्टि से देखते हैं, बस मेरा पर ही उनकी दृष्टि क्यों नहीं पड़ती? जो बस आपका साथ पाने के लिए कब से गुहार लगा रही है। वृंदावन क्या, आप तो संसार के कण कण में वास करते हैं, दिखते तो हर जगह है किंतु मिलते कहीं नहीं। मैं तो सब जगह वास करता हूँ। मीरा के गिरधर भी मीरा के मन में ही वास करते हैं। पर मीरा तो यहाँ बस आपके चरणों में ही रहना चाहती है। मुझे यहाँ अपने साथ रख लीजिए। जब सारे संसार को पता चल गया है कि तुम्हारा तुम्हारे गिरधर गोपाल से कैसा नाता है, तो व्याकुल क्यों होती हो? तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रहना चाहता, किंतु इस घोर कलयुग में धन धन और प्रभु की रक्षा करने के लिए संसार में सच्चे भक्तों का रहना भी अनिवार्य है। ये तो ऐसे ही भक्त कर सकते हैं जिनकी अपने भगवान में पूरी निष्ठा हो, अटूट विश्वास हो। इसलिए अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तब प्रभु, आपकी ये मीरा अपनी अंतिम श्वास तक अपना कर्तव्य निभाएगी। मुझे आपकी प्रतीक्षा करना स्वीकार है, किंतु आपके कार्य से मुख मोड़ना नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब तो आपकी मीरा धन्य हो जाएगी, और तब तक केवल दो ही कार्य करेगी। एक, आपकी प्रतीक्षा, और दूसरा, आपकी भक्ति का प्रचार। आओ चंपा, चले। यदि और यहां रुकी तो मन तो मेरा यही है, कहीं तन भी जाने से मना ना कर दे। मीरा भाई जी, इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आप जैसे महान भक्त की सेवा करने का अवसर दीजिए। ललिता सखी, मेरी सेवा? ये आप क्या कह रही हैं? आपसे ही सुना है, साधु संतों की सेवा करने से प्रभु के और पास पहुंचते हैं, और जहां तक मुझे पता है आप एक महान साध्वी हैं, एक महान भक्त हैं। तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं प्रभु के और पास पहुंच सकूं। मीरा
संकोच क्यों करती हो मीरा? तुमसे अधिक के कौन जानता है कि मैंने भी तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। तुम कोई भी चौकट पार करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कोई भी चौकट पार करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम रानी सा, आप कहाँ चली गई थी? हम सब चिंता में घुले जा रहे थे। और जब से आप गई है तब से चंपा भी दिखाई नहीं दी। चंपा तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है, वो तो मेरे गिरधर गोपाल के पास पहुंच भी गई है, किंतु मुझे अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा। इनसे मिलिए, यह है ललिता सखी, प्रभु ने इन्हें मेरे साथ भेजा है, अब ये प्रभु कार्य में हमारी सहायता करेंगे। मधुर विधुर मिश्राह सृष्टिया संविधातुः, अर्थात धूप है तो छाव का महत्व है। विधाता की लीला है ही ऐसी, मीठा है तो कुछ कड़वा भी है, और मीराबाई जैसे भक्त कड़वे और मीठे दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं। सुर रत्न कला श्रेष्ठ सुरों के बादशाह तानसेन जी, अच्छा सलामत पुकार रहे हैं आपको। जब से वृंदावन से लौटे हैं, आपका आपके दिलो दिमाग पे काबू नहीं? किस दिन में खोए? माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, कला में खो जाना ही एक कलाकार की फितरत होती है, और मैं भी किसी की कला में डूब गया हूँ। अच्छा, तो जरा हम भी सुने, ऐसा कौन सा कलाकार है जिसकी कला ने संगीत सम्राट तानसेन जी पर इतना असर कर दिया? मीराबाई। ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। हमारे दरबार में उम्दा कलाकारों को ढूंढ कर लाने वालों ने भी कभी इस नाम का हमसे जिक्र नहीं किया। जहां पना वो कलाकार से कहीं कुछ अधिक है। उनके भक्ति के रस में जो डूब गया, वो केवल उनके संगीत का ही नहीं बल्कि उनके गिरधर गोपाल का भी हो जाता है। ऐसा क्या खास है उनके संगीत में? भक्त का संगीत सीधे उसके हृदय से निकलता है। जहां पना उनमें भक्ति और भगवान के लिए भक्त का प्रेम और विश्वास का रस मिला होता है, और यही तो सबसे खास है। जहां पना आप किसी की तारीफ करें और हम उसे ना सुने, ये तो हो नहीं सकता। हम भी मीराबाई के भजन को सुनना चाहेंगे। जहां पना वहां थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो सिर्फ गिरधर गोपाल के लिए ही गाती है, और ये भी एक भक्त की खासियत है। दुनियावी चीजों से ऊपर उठकर वो सिर्फ अपना रिश्ता भगवान से मानता है। पर अपने भगवान के लिए गाते हुए तो उन्हें सुनने की इजाजत है ना? हम वृंदावन जाएंगे लेकिन बादशाह बन सकेंगे? जरा देखे तो सही, जिसकी गायकी से हमारे सुर सम्राट इतने प्रभावित हैं, उसकी गायकी में आखिर ऐसी क्या बात है? सूरज उगे या डूबे, दिन हो या रात, मीरा को तो बस एक ही धुन रहेगी, प्रभु भक्ति में पद लिख कर गाएगी।
लोगों के मन में भक्ति की लौ जलाएगी और अधर्म के अंधकार को मिटाएगी, अधर्म के अंधकार को मिटाएगी। भक्ति प्रकाश का ऐसा पुंज है जिसके उदित होते ही अधर्म का अंधकार छट जाता है। आली री मोहे